वेलकम बैक। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र या श्री नरचार्य सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। द्विघात द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें द्विघाती श्री नरचार्य सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब डी का मान जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो। बी को विभक्त कर कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब डी का मान जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, या आप ऐसे कह सकते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा यदि डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। आइए देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ कंपेयर करेंगे दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ए की वैल्यू फोर, बी की वैल्यू फोर अंडर रूट थ्री, सी इक्वल टू थ्री। डी की वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी इक्वल टू बी का मान हो गया फोर अंडर रूट थ्री इक्वल टू पावर टू माइनस फोर, ए की वैल्यू फोर, सी की वैल्यू थ्री। डी इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, फोर का वर्ग सिक्सटीन, टू थ्री का वर्ग थ्री, सिक्सटीन इंटू थ्री माइनस फोर्टी एट। डी इक्वल टू फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट, डी इक्वल टू जीरो। क्योंकि डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो आता समीकरण समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। यह आपको बताया गया द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व कभी होता है जब डी का मान जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो। आता द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से सूत्र आप जानते हैं, x इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू है। मान रखते हैं x इक्वल टू डी की वैल्यू फोर अंडर रूट थ्री माइनस फोर अंडर रूट थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान आपको निकालना है, डी की वैल्यू भी होती है जीरो होगी अपान टू है, टू ए का मान फोर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जीरो का वर्ग रूट जीरो का माइनस फोर अंडर रूट थ्री प्लस माइनस जीरो अपान एट। एक्स इक्वल टू माइनस फोर अंडर रूट थ्री अपान एट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस अंडर रूट थ्री अपान टू। ये भी आपको याद रखना चाहिए, अगर द्विघात डी का मान जीरो है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं, और दोनों मूल बराबर होंगे तो x की दोनों वैल्यू यही हो जाएगी। अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल माइनस रूट थ्री अपान टू कॉमा माइनस रूट थ्री अपान टू। ये याद रखिएगा, अगर डी का मान जैसे द्विघात समीकरण में डी का मान जीरो आ जाता है तो समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं, और दोनों मूल का मान माइनस बी अपान टू ए होता है। आप सूत्र से भी याद कर सकते हैं, दोनों मूल माइनस बी अपान टू ए होंगे। दूसरे समीकरण को देखते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर इक्वल टू जीरो। पहले यहाँ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करेंगे, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू फोर। डी इक्वल टू बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी इक्वल टू बी स्क्वायर का मान हो गया वन इक्वल टू पावर टू माइनस फोर, ए का मान टू, सी का मान फोर। और इसको सॉल्व करेंगे माइनस वन चार आर फोर बत्तीस इक्वल टू माइनस थर्टी वन। अब यहाँ आप देखेंगे क्योंकि डी इक्वल टू, क्योंकि डी लेस देन जीरो, डी का मान जीरो से छोटा हो गया, ऋणात्मक संख्या जीरो से छोटी होती है। आता समीकरण समीकरण
मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये आप याद रखेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है, या द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व कभी होता है जब बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब डी का मान जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो। जहाँ डी द्विघात समीकरण का विविक्तकर है, इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आपको ये भी बताया गया, अगर डी का मान जीरो होता है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं, दोनों माइनस बी अपॉन टू ए होते हैं। कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं? ये बताया गया द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिए गए समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करते हैं, ए बी सी के आप मान प्राप्त करते हैं, फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इसमें रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, आपको द्विघात समीकरण के मूल मिल जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी ये चेक करना होता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए आप डी का मान निकालते हैं। अगर डी का मान जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है, अगर डी का मान जीरो से कम है तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं और आपके सिलेबस में केवल वास्तविक मूल ही हैं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।